सभी किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि भैंस खास करके जनने के बाद यदि अपने बच्चे को भूल जाए और इस भूलने की वजह से क्या होता है कि वो दूध भी नहीं देती है, लाते मारती है, दूध निकालने नहीं देती है, बच्चे को पास में नहीं आने देती है, बच्चे को सिंग मारती है। अगर ये समस्या आपके साथ हो गई है तो इसका कैसे इलाज करें, इसका क्या समाधान है, क्या दवाओं के द्वारा इस समस्या से निदान मिल सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि खास करके भैंस में क्या होता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड मेमोरी होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि गायों में एक खासियत होती है, पहले गाय और भैंस के बारे में बात बताते हैं। गाय को इसलिए गोमाता बोला जाता है कि गाय में जो मेमोरी यानी उसकी जो याददाश्त होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी लंबी होती है। आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि गाय जो है खेत पर बंधी रहती है, वहाँ से छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे चलते चलते अपने घर तक, अपने पशु मालिक के घर तक पहुँच जाती है, चाहे खेत की दूरी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही क्यों ना हो। यदि भैंस की बात करें तो भैंस को देखिएगा कि यदि आप अपने खेत से छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो थोड़े ही समय में थोड़ी दूर चलेगी, वो रास्ता भटक जाएगी, और रास्ता भटक जाएगी तो वो आपके घर पर भी नहीं पहुँचेगी। मेमोरी लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, तो भैंस में ये मेजर प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है कि जनने के बाद भैंस जब बच्चा दे देती है तो क्या होता है कि कई बार भैंस अपने बच्चे को स्वयं भूल जाती है कि ये मेरा ही बच्चा है, और जब एक दिन दो दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि भैंस अपने बच्चे को बिल्कुल भी पास में नहीं आने देती है। जैसे ही आप दूध निकालने का समय होता है और अपने बच्चे को, भैंस के बच्चे को उसके सामने ले जाते हैं तो वो सींग मारती है, दूध नहीं निकालने देती है। बच्चा दूध पीने जाता है तो उसको लात मारती है, दूध नहीं निकालने देती, तो बहुत बड़ी दोहरी समस्या हो जाती है। क्योंकि दूध निकालने के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए जो जिम्मेदार है, वो सिक्रेट तभी होता है कि जब बच्चा दूध पीता है। तो बच्चा जब अगर दूध पिएगा तो ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से सिक्रेट होगा। अगर जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन शरीर से निकलेगा भैंस के, उतना ही ज़्यादा वो दूध मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब भैंस बच्चे को पास में नहीं आने देती है तो स्वाभाविक रूप से किसान भाई का बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, और आर्थिक नुकसान होने के कारण वो क्या करते हैं कि बड़े परेशान हो जाते हैं और फिर बुलाते हैं पशु चिकित्सक को, गांव में झाड़ फूँक करने वाले को, या फिर कोई देसी इलाज करते हैं, और फिर जितना भी वो इलाज करते हैं वो सब के सब व्यर्थ चला जाता है। होता है कि किसी भी प्रकार के इलाज से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपने पशु चिकित्सक को बुलाया, पशु चिकित्सक आएंगे, इंजेक्शन तो लगाएंगे नहीं, अगर बहुत अच्छे जानकार पशु चिकित्सक है तो उनको भी पता है कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं है। हो सकता है कि दूध उतारने वाली दवाई आपको लिख के चले जाए, चाहे मिल्क वेट हो, चाहे मिल्को फ्लेक्स बोलस हो, चाहे दूधेक्स हो, चाहे एस्टिमेट मिल्क वेट, चाहे कितनी भी कोई सी भी गोली हो, ये दूध उतारने वाली गोली लिख के जाएंगे, पर उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि देसी इलाज के तौर पर उसको दारू पिला देते हैं भैंस को, तो वो सोचते हैं कि इससे उसका समाधान हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि और ज़्यादा मेमोरी शॉर्ट यानी कि टेम्पर्ड वाली जो है बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भैंस बिल्कुल भी अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी कि आखिर ये मेरा ही बच्चा है। तो आप चाहे किसी भी प्रकार का धागा दोरा कर ले, चाहे कोई भी झाड़ फूँक कर ले, फ़ायदा नहीं होगा। इसका एकमात्र यही इलाज है, आप देखिए कि आप ये जो समस्या होती है, ऐसा नहीं होता है कि 8-10 दिन बाद ये समस्या हो गई है और आप परेशान हो रहे हैं। समस्या बच्चा, भैंस के बच्चा देने के बाद से लेके 24 घंटे के भीतर भीतर ये समस्या होती है कि 24 घंटे के भीतर जो है भैंस जो है अपने बच्चे को भूल जाती है, कि उसको ये भी पता नहीं चलता है कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको जनाया। तो यहाँ पर जो इसका इलाज एक यही है, आप जिस भी गांव में रहते हैं या फिर जिस भी जगह रहते हैं वहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एक रिसेंटली ताज़ा वाला मामला होता है। जिस भी गांव में रहते हैं तो या तो उस गांव में, फिर या आसपास के गांव में कहीं पर भी कोई दूसरी भैंस यदि ब्याई हुई है तो वहाँ पर जाइए, उनके यहाँ पर जाइए, यहाँ पर पता लगाइए कि दूसरी भैंस ब्याई हुई है, तो वहाँ से उनसे, किसान भाई से जिसके भी पशुपालक भाई की भैंस जो ब्याई हुई ताज़ा, उनसे निवेदन कीजिए
उनसे पूछिए कि ये जो प्लेसेंटा या जो जड़ है आपने क्या निकल गई है या नहीं निकली है, तो आप क्या कीजिए कि इस प्लेसेंटा जड़, किसान भाई बता देते हैं कि प्लेसेंटा भी जड़ नहीं गिरी है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कि क्या होगा कि यदि किसान भाई ने बोला है कि सर हमारी भैंस ब्याई हुई पर जड़ नहीं गिरी है, तो आप जब उनसे संपर्क करेंगे और यदि ये बात बोलते हैं तो आप वहीं पर रुक जाइए, या पशु चिकित्सक आते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से गिरती है जड़, तो जड़ को आप साथ में ले जाइए और उसका जो पानी रहता है लिक्विड फ्लूड, जिसको एमनियोटिक फ्लूड, पूरे फ्लूड में वो प्लेसेंटा जो है उसके अंदर रहता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूड के अंदर पूरा प्लेसेंटा रहता है, तो उसके अंदर एक स्मेल होती है। उस स्मेल को जब तक आपकी भैंस जो बच्चा भूल चुकी है उसको सूंघेगी नहीं वापस से, तब तक उस अपने बच्चे को पहचानेगी नहीं। तो क्या करना होता है कि भैंस उस जो जड़ या प्लेसेंटा को अपने पास ले आइए, प्लास्टिक की थैली में रखिए काइप में भी, और उस प्लेसेंटा उस जेर को हाथ से आप उसमें जितना ज़्यादा आपको लगता है गीला गीला पानी, अलग से पानी नहीं मिलाना है, जितना भी उसमें पानी जैसा लगे, तो उस पानी को अपने जो बच्चे भैंस पहचान नहीं रही है, उसको लात मार रही है, पास में नहीं आने दे रही है, तो उस पानी को उस बच्चे के ऊपर पूरे शरीर पर लगा दीजिए, पूरे मुंह पर, उसके शरीर पर, बालों में, सभी जगह उस प्लेसेंटा को लेके उसके ऊपर रगड़ दीजिए, यानी कि उस जड़ को लेके उस पूरे बच्चे के शरीर पर लगा दीजिए, जैसे हम साबुन लगाते हैं। और साथ में ये एक काम कीजिए, भैंस पर प्लेसेंटा का पानी जो है यह अपने हाथ पर अच्छे से ले लीजिए, और भैंस के नथुने पर, जो भैंस पास में नहीं आने दे रही है अपने बच्चे के, उसके नथुने पर लगा दीजिए। और जैसे लगाते हैं, तो लगाने के बाद आपको काम ये करना है कि उस बच्चे को उसी भैंस के पास में ले जाना है। भैंस में बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए बोला जाता है भैंस में बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, नहीं उसमें कोई ऐसी समझ होती है, और भैंस एक नंबर की बेवकूफ एनिमल है कुल मिला के, ऐसे अगर समझा जाए। तो जैसे ही आप इस भैंस के बच्चे को पास में ले जाएंगे, तो जो प्लेसेंटा यानी कि जेर का जो लिक्विड फ्लूड है, जिसको एमनियोटिक फ्लूड बोला जाता है, उस फ्लूड यानी कि उस पानी से एक दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध को उसके नथुने पे भी लगी हुई है, क्योंकि वो नथुने पे लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी जो स्मेल है उसके मस्तिष्क तक जाएगी, तो भैंस को लगेगा। और जैसे आप बच्चे के को पास में ले जाएंगे, जो पास में नहीं लाने दे रही है, तो भैंस उस बच्चे को चाटने लगेगी, और जैसे इस बच्चे को चाटने लगेगी और उस भैंस को लगेगा कि ये अभी मैंने ही जस्ट बच्चे दिया है, तो उस बच्चे की या उसकी भैंस की याददाश्त तो आएगी नहीं, पर उस भैंस ये मान लेती है कि ये मैंने ही जना है, और भैंस बच्चे को अच्छे से चाटने लग जाती है, फिर आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से, किसी भी प्रकार की कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एलोपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना देसी या किसी भी प्रकार का देसी विदेशी किसी प्रकार का इलाज। जैसे ही उसने बच्चे को चाटने लगी, अपने उस आप बच्चे को हटाइए मत, भले 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक उस बच्चे को उस भैंस के मुंह के पास बांध दीजिए, बिल्कुल भी लात नहीं मारेगी, बिल्कुल भी सिंग नहीं मारेगी, शाम को फिर आप दूध भी आराम से निकाल सकते हैं, इस बच्चे को दूध भी पिलाएगी। तो ये है इस समस्या का समाधान, देसी इलाज को इसका समस्या का समाधान है ये। बस आपको काम यही करना है कि भैंस, ऐसी भैंस को ढूंढना है जो आजकल में जनी हो, तो उसके जेर यानी कि उसको ढूंढना है, वहाँ से लेके आना है, और आपकी समस्या का समाधान करना है, एकमात्र इसका यही इलाज है। मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी बता दी है। ये वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर सर है, उन्होंने पूछा था कि सर ये ऐसी ऐसी समस्या हो गई तो क्या करें, तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। और ये सभी पशुपालक भाई इस समस्या जिसको भी जूझ रहे हैं, तो समस्या इस वीडियो को देख के अपना समाधान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।